back to my channel. Umar Vidal's Income Broker Software Income Okay. So aaj aap dekh rahe hain ki hum driving kar rahe hain kidhar ja raha hai. तो ये है हमारा सामान, वहाँ पर जो बैठे हुए रिक्शे में, ये है लैपटॉप। तो अभी हम जा रहे हैं इंशाल्लाह फैसलाबाद की तरफ, और वहाँ पे हमारा एक महीने टाइम होगा इंशाल्लाह, एक महीना वहाँ पे गुजारेंगे, अपने साथ वीडियोस भी शेयर करूँगा वहाँ से। तो अभी मैं जा रहा हूँ अड्डे, तो हम जीटी रोड पे हैं, तो यहाँ से अड्डे जा के इंशाल्लाह सफर है, तो हमारे साथ हमारे ब्लॉग। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, इस तरह आप देख सकते हैं सामान वगैरह से भी आपको। टिकट हमने ऑनलाइन खरीदी थी, बस यहाँ से वाउचर मिल गया 2 मिनट है गाड़ी निकलने में, तो चल दे अपने गाड़ी की तरफ, सफ़र स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से इंशाल्लाह। गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे चेकिंग हो रही है हमारी, इस बस में हमारा सफ़र होगा, ये कराची की तरफ जाएगी फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, अच्छा जी, तो इस बस में हम सफ़र करेंगे। हमारा सफ़र जो है वो जिस तरह मैंने आपको बता भी दिया कि हम फैसलाबाद जा रहे हैं, हमारा सफ़र जी ये है बस का अंदर का मंजर। हम बैठ गए खैरियत से अपने गाड़ी में, 2 मिनट बाकी थे पर जल्दी जल्दी आ गए, सामान भी रख दिया, क्योंकि इनकी बिल्कुल वो टाइम होती है ना इस वजह से। अच्छा जी, तो हम अभी गाड़ी जो है बॉर्डर से निकल गई, कुछ लोगों का वेट भी किया है। मेरे सामने के सीट में जो बंदे आए बैठे हैं इनका इंतज़ार भी किया है, क्योंकि ये लेट पहुंच गए, और हम जा रहे हैं इंशाल्लाह फैसलाबाद की तरफ। तो अभी गुलबहार का जो पुल है वहाँ से निकल रहे हैं, पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं, भाई बात करते हैं, शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। सकरण हैदराबाद कराची के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारा ये सफ़र इंशाल्लाह 21 घंटे का होगा। सड़क की तामीर और मरम्मत और मतवक के मुतबादल रास्ते की वजह से हमारे सफ़र का दौरान यह बढ़ सकता है, जिसके लिए हम आपके तावन के शुक्रगुजार हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र बस में है। अच्छा जी, तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, अनाउंसमेंट में इन्होंने यही कहा, कलमा पढ़ के सफ़र की दुआ पढ़ के, तो इन्होंने कहा कि क्योंकि ये बस जा रही है कराची के लिए, फैसलाबाद से गुजरेगी, तो हम इससे फैसलाबाद में उतरेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तकरीबन 9 बजे टाइम था इसका, और अभी 9:15 बजने वाले हैं। यह है मोटरवे के साथ फर्स्ट चेक पोस्ट, ये लोग सक करो उन रास्तों से जाएंगे, तकरीबन 21 घंटे उन्होंने कहा कि कराची जाएंगे, और हमें तो 5.5 घंटों में फैसलाबाद तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में फ़र्स्ट, ये अभी मैं फ़र्स्ट टाइम फैसलाबाद जा रहा हूँ, पहले नहीं गया, तो मैंने कहा चलो आपके लिए भी एक व्लॉग बना दूँ। और मैं तो वहाँ पर जा रहा हूँ, एक कोर्स है मेरा, तो कोर्स के सिलसिले में जा रहा हूँ इंशाल्लाह, वहाँ पे भी व्लॉग बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। ओह, जैसे आप देख, गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, खुदा न खास्ता इसमें कोई एक्सीडेंट हुआ है, और उसमें कोई जान मान भी शायद गई हो, अल्लाह को इलम है। अच्छा जी, हम दरिया काबुल से गुज़र रहे हैं, और मैं बिल्कुल लास्ट सीट में बैठ गया गाड़ी। अच्छा, हाईवे वाले ने हाथ दिए तो ये रुक गए बिल्कुल 4 सदा से पहले, जब
कंडक्टर उतरा तो उसने कहा कि एक दूसरी बस बहुत हाई स्पीड में जा रही थी, उनको रोका था, पर ये भी रोक गए। पर अभी वहाँ से हम चले गए। इन्होंने कहा पहले इनका जो स्टे है वो है मर्दान रशकई में, शायद यहाँ पे इनका कोई अड्डा बनाओ, यहाँ से सवारियाँ उठाएंगे और यहाँ से सेकंड स्टॉप इनका होगा कलर कहार, और कलर कहार के बाद इंशाल्लाह ये जाएंगे फैसलाबाद की तरफ। फैसलाबाद में स्टे करके हम वहाँ पे उतर जाएंगे, आगे अल्लाह पाक इनको अपने हिफ्ज़ अमान में पहुँचाए। अभी हम रशकई पहुँचने वाले हैं। ये है रशकई का टोल प्लाज़ा। जिन भाइयों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके। अभी इंशाल्लाह ताला आपके लिए फैसलाबाद में भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगा। तो अभी हम ये हो गए राइट साइड पे। मैंने तो कभी नहीं देखा इनका ये अड्डा, फर्स्ट टाइम इस साइड फैसलाबाद के साइड पर मैं जा डाइवो में एक बार सफ़र किया हुआ था बहुत टाइम पहले, तकरीबन 2017 की बात है। हम गए थे हरिपुर डाइवो में, तो मैंने इस बार सोचा चलो फैसलाबाद इधर से ही चलते हैं। मेरा असल में इरादा था ट्रेन में जाने का, पर ट्रेन की टाइमिंग कुछ इस तरह थी और वहाँ पे पहुँचना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने बस को चूज़ किया उस टाइम। ये अभी यहाँ पे स्टे किए, देख ये जो मेरे साथ सीट पे लेटा हुआ है ये सेकंड ड्राइवर है इसका। मैंने तो पहले ही कहा चढ़ाऊँ तो ये उसी टाइम से लेटा हुआ है, मैंने कहा पता नहीं ये कौन है, पर बाद में पता चला कि ये इनका दूसरा ड्राइवर है, क्योंकि कुछ टाइम तक वो ड्राइविंग करेगा और उसके बाद क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा है, रात का सफ़र शायद फिर ये वाला चाचू करें। तो अभी हम यहाँ पर इन्होंने 15 मिनट स्टे किया है और सवारियाँ भी आ गई बस में, तो वापसी हम निकल रहे हैं। ये है M1 टोल प्लाज़ा रशकई से, यही से वापस नज़दीक से वापस चढ़ने वाला है ये मोटरवे पे। तो सफ़र रिव्यूज़ मैं दूंगा इनको पॉजिटिव, सफ़र अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा ये मेरे ख़्याल में जैसे ही हम चढ़े पेशावर से, इन्होंने पहले पानी दे दिया और भी इन्होंने ये लंच बॉक्स दे दिया। ये है डाइवो एक्सप्रेस लंच बॉक्स है, देखते हैं इसमें क्या है। अभी हम ये है गाजी बरोता का नहर पुल से हम गुजर गए, सवाबी भी क्रॉस कर दिया हमने। तो शॉर्ट्स क्लिप्स ज़रा ज़्यादा ज़्यादा बने, पर मैं हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा और ताकि आप लोग भी बोर ना हो। अपने राय कमेंट में ज़रूर दें कि आपको हमारे व्लॉग किस तरह लगता है। मुझसे आगे जो दो भाई बैठे थे उनसे बात हो गई, तो ये लोग जा रहे हैं यहाँ से मुल्तान, क्योंकि फैसलाबाद के बाद जब इनका स्टे होगा वो मुल्तान की तरफ। मैं बैक साइड पे बैठा हूँ तो मैंने बैक साइड की वीडियो भी थोड़ी बनाई आपके लिए। लंच बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या डाला हुआ है इनमें। ये है लेस, दो टाफियाँ, एक बिस्किट और एक चॉकलेट और एक टिशू। पानी इन्होंने हमें दे दिया, फर्स्ट सर्व कर दिया इस भाई ने। उसके बाद अभी ये छोटा सा लंच बॉक्स तो नहीं कह सकते, बस चलो लंच बॉक्स ही कह देंगे, कोई बात नहीं है। ये लोग अभी हम इस्लामाबाद टोल प्लाजे तक पहुंच गए, तो यहाँ से अब इंशाल्लाह अक्सर जब मैं आता हूँ तो इस्लामाबाद उतर जाता हूँ, तो अभी हम सीधा जाएंगे क्योंकि हमें सीधा जाने का सफ़र है फैसलाबाद की तरफ। ये हम मोटरवे से निकलने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये मुझसे जो दो भाई आगे बैठे हैं ये जा रहे हैं मुल्तान, और मुल्तान के बाद फिर जाएंगे सऊदी मुसाफरी के लिए। 2 साल तकरीबन बात हो रही थी उनसे कि 2 साल के, 2 साल का वीज़ा है, 2 साल के बाद वापस आएंगे। मार्ग और जो ज़िंदगी का क्या पता क्या भरोसा। लेफ्ट साइड का जो रास्ता है ये तो आपको पता भी होगा, कितनी बार हम इस पे गए, आपके लिए व्लॉग भी बनाया है, क्योंकि ये रास्ता निकलता है इस्लामाबाद जीटी रोड, लाहौर जीटी रोड पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी मरी
उस साइड पे कश्मीर, कश्मीर का व्लॉग भी पड़ा हुआ है मेरे पास, मेरे साथ, तो इंशाल्लाह वो भी करूँगा। एक तो किया था, दूसरा जो है वो हम कोहाला से गए थे, मरी के रास्ते गए थे कश्मीर मुजफ्फराबाद, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल को जो भाई पहले टाइम आए हैं चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो अभी मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तकरीबन 10 मिनट की वीडियो बन गई, तो दूसरा सफ़र यहाँ से इंशाल्लाह फैसलाबाद की साइड, फैसलाबाद के अड्डे तक होगा। और तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ रहिए। हम टू टोल प्लाजे से निकलने वाले हैं, तो मुलाकात होती है आपसे थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। तब तक बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।